बीकानेर जिले की शेष रही ग्राम पंचायतों के चुनाव प्रथम चरण की 28 सितंबर को होने हैं। शिवनगर की ग्राम पंचायत पुगल पंचायत समिति की शिवनगर ग्राम पंचायत जिसमें 28 सितंबर को चुनाव होने, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार भी चरम सीमा पर है। शिवनगर की ग्राम पंचायत जहां पर 1995 के अंदर यहां पंचायत बनी थी, पहली बार यहां पर ऐसी सीट से चुनाव लड़ा जा रहा है। हमारे साथ हैं यहां पे उम्मीदवार जिनकी सिस्टर चुनाव लड़ रही है, रोशनी जो मात्र 21 साल की है, युवा है, यहां पर पहली बार अपना भाग्य आजमा रही है इस शिवनगर ग्राम पंचायत से। यहां पे अनेक आज भी समस्याएं नहीं, काफ़ी समस्याएं भी है, जैसे बात करें चिकित्सा से, शिक्षा से और सड़कें से आज भी अभाव है। दूर दराज की पंचायत होने के कारण इससे पहले ग्राम पंचायत ये शिवनगर पंचायत समिति खजुड़ा के अधीन थी, जो अब नया विभाजित होने के बाद पुगल पंचायत समिति के अंतर्गत आती है। यहाँ से हम बात करते हैं ग्रामीणों से, ये जो ग्राम पंचायत है किस तरीके की आप समस्याएं देख रहे हैं और जो गांव की सरकार चुन रहे हैं किस तरीके की सरकार होनी चाहिए? गांव की जो हम सरकार चुन रहे हैं वो चहुंमुखी विकास करने वाली सरकार होनी चाहिए, जिसमें पहली प्राथमिकता है शिक्षा, विद्युत और स्वास्थ्य विभाग। बाकी हमारा जो एरिया वो अति बैकवर्ड पाकिस्तान जो एरिया है, एकदम पिछड़ी हुई पंचायत है। हम चाहते हैं जो हमारा उम्मीदवार हो वो पढ़ा लिखा है और जहाँ मीटिंग में जाके जिला परिषद की मीटिंग हो चाहे पंचायत समिति की मीटिंग हो उसमें अंदर जाके हमारी पंचायत की बात रख सके और उसको प्राथमिकता से काम करो सके। और जो हमारे पास उम्मीदवार है वो शिक्षित उम्मीदवार है, 12th पास है, यंग बच्ची है और उसका जो प्रतिनिधि है वो बाबूलाल जी, वो भी MBA पढ़े लिखे लड़के हैं। और हमें पूर्ण आशा है कि ये जोड़ी जो है ये हमारी पंचायत का चहुंमुखी पूर्ण विकास करेगी। 28 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, उससे पहले ही निर्विरोध वार्ड पंच चुन लिए गए हैं जो हमारे साथ हैं। आप पर जनता ने यकीन किया है, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी गांव के विकास के लिए? मैं सभी ग्राम पंचायत ग्राम वासियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे को निर्विरोध वार्ड चुना और मैं विकास के लिए तत्पर रहूँगा पूरे ग्राम वासियों के लिए। वार्ड पंच चुने गए हैं, निर्विरोध वार्ड पंच चुने गए हैं। हमारे साथ यहाँ भी अन्य भी ग्रामीण हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आज WHO ने इस कोरोना को महामारी घोषित की है, इसको देखते हुए यहाँ पर जितने भी आप लोग बैठे हैं मास्क का यूज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस बनाई हुई है, गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं COVID-19 एक महामारी है, बड़ी चुनौती रहेगी आप जैसे चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किस तरीके की आप गाइडलाइन का प्रयोग करें? सभी ग्रामवासियों के मास्क लगा के और दूरी बना के सैनिटाइज करा के और जो भी गाड़ियों में प्रचार करेंगे 3 से ज़्यादा नहीं रखते हुए और सभी मतलब सिस्टम से और धारा 144 की पालना करते हुए इस हिसाब से हम। ये शिवनगर ग्राम पंचायत पहली बार ऐसी सीट आई है, आप अपना भाग्य आजमा रहे हैं, आपकी सिस्टर यहाँ से चुनाव लड़ रही है रोशनी, आप क्या प्राथमिकता रहेगी? गाँव के अंदर आज भी कई सुविधाओं से वंचित है। हमारी ग्राम पंचायत में सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा, शिक्षा अगर होगी तो सब कुछ होगा। और दूसरी प्राथमिकता बिजली, बिजली अगर रहेगी तो सब कुछ सही रहे, बिजली, पानी, शिक्षा और सड़कें, अनेक योजनाएं, खेती किसान कृषि विभाग से जुड़ी। और हमारी पंचायत के अंदर पहले बैंक भी नहीं है, मतलब बिल्कुल हमारी पंचायत के अंदर आज की तरफ 0% सुविधा है, तो हम मतलब इसको 90% सुविधाएँ दिलवाएंगे। पंचायत समिति खाजवाला के अंतर्गत आती थी शिवनगर, अब पंचायत समिति पुगल नहीं बनी है, बड़ी समस्याएं हैं दूर दराज। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो शिवनगर बड़ी दूर की पंचायत है, आप जिस तरीके से लोगों को आश्वासन देकर वोट मांगे जा रहे हैं, इन प्राथमिकता में मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा आपका? विकास का, विकास के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं हमारे ग्राम पंचायत में, हम विकास के नाम पे वोट मांगे, हम विकास कराएंगे। 25 साल से जो सरपंच विकास नहीं करवाया वो हम 3 साल में करके दिखाएंगे। बड़ी बात करें तो नरेगा के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार होता है, बात करें बिजली, दूर दराज क्षेत्र होने के कारण बिजली नहीं पहुंचती है, यहाँ पर अटल सेवा केंद्र होने के कारण लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है, सड़कों की बात करें तो हालांकि कई जगह पर जाल बिछा हुआ है लेकिन शिवनगर आज भी कई चीज़ों से वंचित है। हमारी पंचायत के अंदर जैसे कागज कार्रवाइयों में सड़कें बनी हुई है लेकिन अभी तक सुविधाएं पूरी तरीके से नहीं मिल पाई, लेकिन हम उसको सबको छोड़ते हुए हम अपने हिसाब से सब सड़कें, पानी, बिजली, लाइट, जो भी सुविधाएं मूलभूत सुविधाएं जो भी हम सब उपलब्ध करवाएंगे। बिल्कुल, शिवनगर से ये थे जो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी सिस्टर रोशनी चुनाव लड़ रही है, इनका
स्पष्टीकरण ये कहना है कि हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं और विकास के नाम पर ही वोट लेंगे, और जो हमारा मुख्य मैनिफेस्टो रहेगा वो इस क्षेत्र का विकास रहेगा। दूर दराज की पंचायत होने के कारण निश्चित रूप से शिक्षा, चिकित्सा और सड़कों को जोड़ने को लेकर मुख्य विकास करवाया जाएगा। सुरेंद्र डेलू, खाजूवाला।